गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को डेटा इंटरफेस के बारे में और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टेबल के बारे में कुछ बातें बताई थी। टेबल का तो यहाँ पे रोल बनेगा ही, ठीक है, लेकिन टेबल से भी कुछ टर्म्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नॉलेज के लेवल से भी और बोर्ड एग्जाम के लेवल से भी, ठीक है। बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, या फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कैंडिडेट की, या फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड अल्टरनेट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन का तो चलो जो रोल है वो है ही, साथ ही साथ जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, खास तौर से नहीं होता, तब तक टेबल डिजाइन करने में थोड़ी सी दिक्कत है। टेबल को डिजाइन करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जो जरूरी होता है, इन दोनों को समझना ज्यादा जरूरी होता है। नीचे वाले दोनों को तो बस एक कॉन्सेप्ट है, बाकी उसका उतना रोल टेबल डिजाइनिंग में नहीं होता है। जब बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, उतना बड़ा डेटाबेस अभी आप लोगों को बनाना भी नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा जब कंपनीज में लोग काम करते हैं वहां पर जब डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो इन चारों का रोल होता है। लेकिन नॉर्मली आप लोगों के लेवल के हिसाब से प्राइमरी की और फॉरेन की का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इनको जानना बहुत जरूरी होता है और इनको आप ऐसे डायरेक्टली अगर मैं डेफिनेशन पढ़ दूंगा तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में तब आएगा जब आप टेबल के कुछ चीज़ों को समझोगे, ठीक है। तो एक टेबल का एग्जाम्पल लेकर उसमें उन चीज़ों की एंट्री करके तब उसको जब समझाएंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये कल पहले भी मैंने बताया था, पहले के वीडियो में बताया था कि ये जो होती हैं प्राइमरी की फॉरेन की ये सारी जो कीज़ होती हैं, तो ये कोई की नहीं है, ये एक टर्म्स हैं जो कि एक कॉलम को डिफाइन करने के लिए किए जाते हैं। हाँ, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके मतलब इनके इंपॉर्टेंस के बिना इनको डिफाइन किए हम कोई टेबल या कोई डेटाबेस नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक बार फिर से शुरू से बताते हैं, हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था प्राइमरी की के बारे में, लेकिन आपको फिर से एक बार बता देते हैं। देखो, कोई भी टेबल अगर हमें डिज़ाइन करनी है, किसी भी तरह की कोई टेबल, डेटाबेस की कोई टेबल है, टेबल का मतलब अब यहाँ अगर मैं टेबल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो डेटाबेस की ही टेबल की बात होगी, एक्सेल की टेबल या एमएस वर्ड में बनी हुई टेबल या किसी और टेबल की बात नहीं होगी। अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं डेटाबेस में, तो उस डेटाबेस टेबल में हमारे पास रोज और कॉलम्स में वो टेबल, भाई कोई भी टेबल जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है रोज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ रोज कॉलम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि डेटाबेस तब तक सही नहीं माना जाता जब तक उसमें हर रिकॉर्ड और फील्ड के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो रोज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड बोलते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड बोलते हैं। तो कहीं पर मैं रिकॉर्ड वर्ड यूज़ करूँगा, कहीं पे मैं फील्ड वर्ड यूज़ करूँगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड होगा, लेकिन दोनों का मतलब ये है। अगर हम रो बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड की बात हो रही है, अगर हम फील्ड बोल रहे हैं तो उसका मतलब कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर जो भी डेटाबेस होता है उसमें सारे रिकॉर्ड्स हमेशा अलग अलग होने चाहिए, कभी भी एक कोई भी एक रिकॉर्ड, कोई भी दो रिकॉर्ड ऐसा ना हो, दो या दो एक से या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐसे ना हो, सॉरी दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐसे ना हो जो कि सेम हो, क्योंकि तो अगर वो सेम होते हैं तो वो दिक्कत करता है, वो डेटाबेस रॉन्ग माना जाता है, वो बिल्कुल ही गलत माना जाता है। ऐसा डेटाबेस फॉर्म तो हो सकता है लेकिन वो आगे चल के दिक्कतें क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि वो डेटाबेस फॉर्म नहीं होगा, डेटाबेस फॉर्म हो जाएगा, टेबल भी बन जाएगी, सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए कभी भी डेटाबेस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि दो एंट्रीज मतलब कि दो रोज़ या दो रिकॉर्ड कह लें वो सेम हो। हमेशा रिकॉर्ड को अलग अलग होना ज़रूरी होता है, चाहे वो एक पॉइंट की डिफरेंस हो, चाहे वो एक डॉट का डिफरेंस हो, चाहे वो एक स्पेस का डिफरेंस हो, कुछ भी हो, डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। ऐसे डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए, एक फील्ड या एक क्या कहते हैं कॉलम, फील्ड कहो या कॉलम कहो एक ही बात है, एक फील्ड या एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल अलग अलग हो, जो कि हर रो में वो अलग अलग हो, बिल्कुल सेम ना हो, क्योंकि सेम हो से हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो ये कॉलम्स होते हैं इस तरह के, उनको कुछ नाम दिए गए हैं और यही नाम यहाँ पे आर्ट पे लिखे हुए हैं बोर्ड पे, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। ये कुछ है नहीं, ये जो भी हैं ये किसी एक कॉलम को हम ऐसा डिफाइन करते हैं, कोई एक कॉलम ऐसा होगा टेबल में जिसको हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, कोई एक कॉलम ऐसा होगा जिसको हम फॉरेन की डिफाइन करेंगे। कैंडिडेट की और अल्टरनेट की सिर्फ डेफिनेशन है, उनको डिफाइन नहीं किया जाता है, वो सिर्फ एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो प्राइमरी की डिफाइन करना बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना प्राइमरी की के कोई टेबल फॉर्म नहीं होती, हमको एक कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन करना होता है।
और वो कॉलम हमारा हमें ऐसा होना चाहिए जिसका डेटा हर रो में अलग अलग, ठीक है। नॉर्मली जो आईडी होती हैं, स्टूडेंट आईडी हो गई, एम्प्लॉई आईडी हो गई, टीचर आईडी हो गई, ये जो होती हैं इनको हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं को बना सकते हैं, और भी प्राइमरी की एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्राइमरी की बनाना मस्ट है। अगर हम प्राइमरी की नहीं डिफाइन करेंगे, हम एक कॉलम को प्राइमरी की नहीं डिफाइन करेंगे, तो वो आगे चल के दिक्कत करता है डेटाबेस को बनाने में। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, अल्टरनेट की। सबसे पहले प्राइमरी की से स्टार्ट करते हैं। कोई एक ऐसा कॉलम जो कि हर यूनिकली डिफाइंड, यूनिकली डिफाइंड का मतलब कि जो हर रो में अलग अलग हो, उसको हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। और हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, 100% होती है। प्राइमरी की का होना कंपलसरी है। फॉरेन की बात बाद में करेंगे अभी, लेकिन प्राइमरी की का होना कंपलसरी है। किसी एक कॉलम को हमको प्राइमरी की बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक टीचर्स नाम की टेबल बनाई है। स्टूडेंट नाम की इसलिए नहीं बनाई क्योंकि स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होते हैं मैक्सिमम के पास, लेकिन पैन कार्ड स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये क्या कहते हैं आपका जो आईडीज़ होती हैं, जो आईडी जनरेट की जाती है, इनका भी यूज़ होता है टेबल को डिफाइन करने में। इसलिए इनको मैंने इस टीचर की टेबल से स्टार्ट किया है, कि वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स के पास पैन, आधार, सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कॉलम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने EMP ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेम, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये कुछ कॉलम बनाए हैं, कुछ फील्ड बनाई हैं, जो कि एक टीचर्स की टेबल में होंगे। भाई कोई टीचर होगा तो वो एम्प्लॉई होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी कोई एम्प्लॉई आईडी ज़रूर बनी होगी। जैसे स्टूडेंट आईडी होती है, वैसे एम्प्लॉई आईडी होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमेटिक वे में डेटा रखना है, तो भाई जैसे स्टूडेंट का डेटा रखा जाता है अलग अलग फाइल्स में, वैसे टीचर्स का भी डेटा रखा जाता है, क्योंकि टीचर्स भी तो आते जाते रहते हैं। भाई आज कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, हो सकता है 2 साल बाद वो छोड़कर कहीं और चला जाए, कोई नया टीचर आ जाए, तो टीचर का आना जाना भी लगा रहता है। तो ऐसे केस में उनकी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। जिस तरह आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है, वैसे टीचर्स की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखा जाता है। तो उसके लिए टीचर्स की भी अपनी टीचर आईडी कह सकते हैं, या फिर एम्प्लॉई आईडी कहना आसान इसलिए होता है कि देखो एम्प्लॉई सब हो जाते हैं। जो टीचर है वो भी एम्प्लॉई है, जो आया लोग हैं वो भी एम्प्लॉई हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो भी एम्प्लॉई हैं। अगर हम सबको अलग अलग आईडी देंगे कि टीचर आईडी, ड्राइवर आईडी, एम्प्लॉई आईडी, क्लर्क आईडी, तो वो कई सारी आईडी होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, भाई जो स्टाफ है उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है, बच्चों को एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर स्टाफ की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए एम्प्लॉई आईडी सही टर्म होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉई आईडी हर किसी की अलग अलग होती है, कभी भी सेम नहीं होगी, ठीक है। मान लो जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी क्रिएट करते हैं, कुछ भी अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, जितने एम्प्लॉई होंगे उनकी हर एम्प्लॉई की अलग अलग एम्प्लॉई आईडी, क्योंकि उन्हीं आईडीज के थ्रू ही क्लियर होगा कि वो कौन सा एम्प्लॉई कौन है, ठीक है। नाम तो होते ही हैं, फिर आधार नंबर, पैन नंबर की भी यहाँ पर मैंने एंट्री की है, फिर नेम है, डेजिग्नेशन है, एड्रेस है, ठीक है। थोड़ी एंट्री कर लेते हैं तब आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एंट्री की हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी है जिसमें एम्प्लॉयज़ की एक आईडी बनी हुई है, फिर आधार नंबर है, आधार नंबर की मैंने लास्ट की 4 डिजिट ले ली है, सारी डिजिट्स को नहीं लिया है, पूरी भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ स्पेस नहीं था देने। पैन कार्ड की भी मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं, सारे अल्फ़ाबेट नहीं लिए। उसके बाद मैंने कुछ नाम लिखे हैं टीचर्स के, और उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन लिखा है, फिर एड्रेस लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ हम एम्प्लॉई आईडी है इसको बनाएंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्यों बनाएंगे, अभी हम आधार और पैन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको अभी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लो आधार और पैन वाली रो इसमें कॉलम्स इसमें है ही नहीं, मान लेते हैं कि आधार और पैन वाले कॉलम इस टेबल में है ही नहीं, तो हम एम्प्लॉई आईडी को बनाएंगे प्राइमरी की। क्यों एम्प्लॉई आईडी जो है वो हर जगह अलग अलग हो रही है, हर जगह अलग अलग एम्प्लॉई आईडी है। भाई आप लोग ये भी कहेंगे या तो नेम भी अलग अलग है, नेम अलग अलग हैं लेकिन नेम सेम भी तो हो सकते हैं। हो सकता है भाई वही बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मान लो जहाँ पर 3-4 हज़ार लोग काम करते हैं वहाँ सेम नेम के लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, पॉसिबिलिटी है। सेम डेजिग्नेशन पे भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है सेम एड्रेस भी हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम एड्रेस भी हो सकता है। ऐसी दिक्कतें ना आए ऐसी चीज़ के लिए ही ये आईडीज वाला कॉलम क्रिएट किया जाता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि भाई दो बच्चे हैं, वो दोनों एक ही गार्जियन, दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों का नाम उनके गार्जियन ने एक ही रख दिया, तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन तो एक हो जाएगी। उसी तरीके से मान लो दो जुड़वा भाई हैं, अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो जॉब कर रहे हैं, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक ही डेजिग्नेशन पर जॉब करते हैं, तो भी तो सारा एड्रेस को सारा कुछ एक हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। तो डेटा में किसी तरह की रिडंडेंसी ना आए, किसी तरह की डुप्लीकेसी ना आए, डुप्लीकेट ना हो, ऐसे केस के लिए इस तरह की एम्प्लॉई आईडी क्रिएट की जाती है। क्योंकि एम्प्लॉई आईडी, स्टूडेंट आईडी, ये जो कॉलम होता है ये कभी भी सेम नहीं होगा, हमेशा अलग अलग होगा। अगर कोई एम्प्लॉई स्टार्टिंग से काम कर रहा है उसकी एम्प्लॉई आईडी अलग होगी, अगर कोई एम्प्लॉई काम करके निकल चुका है तो उसकी एम्प्लॉई आईडी अलग होगी, अगर कोई एम्प्लॉई बाद में आके काम कर रहा है तो उसकी एम्प्लॉई आईडी अलग अलग होगी, तो वो हमेशा अलग होती, कभी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारी एम्प्लॉई आईडी है इसको हम बनाएंगे प्राइमरी, ये प्राइमरी, और कोई ना कोई इस तरह का कॉलम हमें हर टेबल में प्राइमरी की डिफाइन होता है। जितनी भी टेबल बनेंगी आप लोग लिखेंगे आगे, उसमें एक कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किया जाएगा कि हाँ ये कॉलम जो है वो प्राइमरी की है, डिफाइन है। एक्सेस में तो अपने आप से आप लोगों को याद होगा, एक्सेस जब आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब भी जहाँ पर भी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता था कि वो जब हम डिज़ाइन व्यू में जाते थे तो वहाँ टेबल को डिफाइन करते थे, तो वहाँ पर एक कॉलम के पास अपने आप से की का निशान बन के आता था, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से वो प्राइमरी की डिफाइन हो जाती थी, कि हम लोग वहाँ मान के चलते थे कि जो पहला कॉलम है उसको प्राइमरी की बनाया जा रहा है। नेम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि नेम हम सेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डेजिग्नेशन तो बहुत ही ज़्यादा सेम होगी, एड्रेस भी सेम हो सकता है, तो इसीलिए कोई एक ऐसा कॉलम चूज़ किया जाता है जिसको प्राइमरी की बनाई जाए, और इसका रखना कंपलसरी है। एक कॉलम को हमको प्राइमरी की बनाना कंपलसरी होता है, बिना प्राइमरी की बनाए हम उस टेबल को सही से डिफाइन नहीं, डिफाइन तो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं डिफाइन नहीं होगी, हम नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर से भी बना सकते हैं, लेकिन वो गलत होता है, वो सही डेटाबेस नहीं माना जाता है। इसीलिए एम्प्लॉई आईडी, स्टूडेंट आईडी, इस तरह के जो कॉलम होता है उसको मानते हैं प्राइमरी की, ठीक है। अब देखो फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की डेफिनेशन बहुत ईजी है, पहले प्राइमरी की डेफिनेशन आपको बताते हैं, ठीक है। अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन द रिलेशन, ठीक है। अब एक वर्ड टपल यूज़ हो गया, अब आप लोग अगर टपल क्या होता है, टपल कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, जो ये एक आपका है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इसकी बात करें, ये एक इसी इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, ये एक जो होता है इसको बोलते हैं टपल। ये जो आपका एक ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं टपल। जहाँ पर भी रो कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं एक ब्लॉक डिफाइन होता है, तो वो टपल कोई भी हो सकता है टपल, तो इसको टपल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ देते हैं एक बार। अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन द रिलेशन, कह रहा है ऐसे टपल्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब जो हमेशा अलग अलग हैं, यूनिक हैं, मतलब अलग अलग हैं, बिल्कुल सेम नहीं हैं, ऐसे टपल्स जो होते हैं उनको बनाते हैं प्राइमरी की। ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ऐसा कॉलम जिसमें जितना भी जो डेटा है वो हर रो में अलग अलग होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये तीनों तो बस एक दो वर्ड में ही आपको समझ में आएंगे। फॉरेन की क्या होती है, अब मान लो
यही जो एम्प्लॉय आईडी बनी हुई है, एक टेबल है मास्टर टेबल। मास्टर टेबल मतलब एक मेन टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का भी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट का भी इंफॉर्मेशन है और स्टाफ का भी इंफॉर्मेशन है, तीनों की इन्फॉर्म। उसमें कॉलम बना हुआ है, एक कॉलम है जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी, एक कॉलम है जिसका नाम है स्टूडेंट आईडी, एक कॉलम मान लो कुछ और है। तो अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसको प्राइमरी की डिफाइन किया गया है किसी टेबल में, वो किसी और टेबल में आता है, उस टेबल में वो प्राइमरी की हो ही नहीं सकता, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। अगर हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो ये एम्प्लॉय आईडी किसी और टेबल में अगर आती भी है तो वो वहाँ पर वो प्राइमरी की नहीं होगी, वहाँ कोई और कॉलम प्राइमरी की होगा। तो अगर कोई किसी टेबल की प्राइमरी की किसी और टेबल में अपीयर होती है, ऐसा होता है किसी और टेबल में अपीयर होती है, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं फॉरेन की, वहाँ पर उसको नाम दिया जाता है फॉरेन। फॉरेन की इतनी सी डेफिनेशन है कि अगर कोई प्राइमरी की किसी और टेबल में है और वहाँ पर सिर्फ उस टेबल की वो मेंबर है, उसमें एक रो है, एक कॉलम है, वो बाकी वो प्राइमरी की डिफाइन पहली बार तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। एक ही दो टेबल की सेम प्राइमरी की नहीं होती है, हर टेबल की अपनी अलग अलग प्राइमरी की होती है। तो मान लो ये एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है टीचर्स टेबल का, ये किसी और मास्टर टेबल मतलब एक मान लो मेन टेबल बनती है जिससे बाकी सारी टेबल लिंक्ड है, ठीक है, उस टेबल में अपीयर होता है तो वहाँ पर इसको कहा जाएगा फॉरेन की, ठीक है। बस फॉरेन की यही एक डेफिनेशन है। डिफाइन हम खाली प्राइमरी की को करते हैं, फॉरेन की को नहीं डिफाइन करते हैं। फॉरेन की यूज टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, ये नॉर्मली दो टेबल के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, ठीक है। उसकी वहाँ पर जब दो टेबल को रिलेट करना होता है, आगे जो चैप्टर आपका आएगा उसमें आपको दो दो टेबल को एक साथ बना डिज़ाइन करना होगा और एक्सेस करना होगा, वहाँ पर इस फॉरेन की का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉरेन की को डिफाइन नहीं करते हैं, प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं। फॉरेन की तो वो अपीयर होगी, वो अपने आप से फॉरेन की होगी। अगर कोई कॉलम प्राइमरी की बना हुआ है किसी टेबल में तो वो दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की होता है, ठीक। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव कैंडिडेट की और अल्टरनेट की। देखो इसमें लिखा जैसे कि डेफिनेशन है, ओकेजनली वी मे इनकाउंटर अ रिलेशन इन विच देयर इज मोर देन वन एट्रीब्यूट पोजेसिंग द यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी। कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे दो तीन कॉलम मिल जाएंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, अब हम आधार कार्ड और पैन कार्ड की बात करते हैं। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया, लेकिन आधार कार्ड वाला जो कॉलम है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाइड है, यू भी हर रो में अलग अलग है, और सेम पैन कार्ड वाला कॉलम जो है वो भी हर रो में अलग अलग है। पैन कार्ड कभी भी सेम नहीं हो सकता, ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग होंगे जिनके पास भी पैन कार्ड होगा सबका पैन नंबर अलग अलग होगा, सबका आधार नंबर अलग अलग होगा। तो हम पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे कॉलम यहाँ पर अपीयर्ड हैं, इनको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन हमने बनाया नहीं है। हम इनको प्राइमरी की बना सकते हैं लेकिन बनाया नहीं है, तो ऐसे कॉलम को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। अगर कोई एक ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की बन सकता है, हम अगर पैन की बात छोड़ दो, यहाँ प्राइमरी की बन सकता है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो प्राइमरी की बन सकता है लेकिन प्राइमरी की बना नहीं है, तो ऐसे कॉलम को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। इसको डिफाइन नहीं करते, सिर्फ डेफिनेशन है इसकी, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की सिर्फ आपको डेफिनेशन जाननी है, बाकी इसका कोई उसको डिफाइन नहीं होता है टेबल डिज़ाइन करते समय। तो यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो है आपकी कैंडिडेट की, क्योंकि ये प्राइमरी की बन तो सकती थी लेकिन बनी नहीं, हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया, इसको प्राइमरी की नहीं बनाया, तो इसको यहाँ पर कैंडिडेट की कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है अल्टरनेट की, इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट की वन ऑफ देम ऑफ सर्व एज प्राइमरी की। अगर कहता है कि अगर दो से ज़्यादा कैंडिडेट की हैं तो उसमें से एक प्राइमरी की बनेगी और बाकी की दोनों जो होंगी वो होती हैं अल्टरनेट की। कैंडिडेट की अल्टरनेट की में बड़ा थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, मतलब कैंडिडेट की वो होती हैं कि मान लो दो कॉलम हैं, दोनों में से दोनों यूनिकली आइडेंटिफाइड है, दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं लेकिन बनेगा एक ही, तो उसमें से एक हो जाएगा प्राइमरी की, दूसरा को मान लिया जाता है कैंडिडेट की। लेकिन अगर कॉलम दो से ज़्यादा हैं, अगर हम दो से ज़्यादा हैं और उसमें से एक प्राइमरी की बना है और बाकी दोनों जो है तो वो कैंडिडेट की नहीं, दोनों अल्टरनेट की कहा जाता है, दोनों को अल्टरनेट की कहा जाता है। अगर दो तीन कॉलम है मान लो, उसमें से एक ही कॉलम प्राइमरी की बनना है और बाकी के दोनों कॉलम की कैपेबिलिटी है वो बन सकते हैं प्राइमरी की लेकिन बने नहीं हैं, तो वो दोनों कहे जाएंगे अल्टरनेट की, ठीक है। तो कैंडिडेट की और अल्टरनेट की में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है वो अगर हम एम्प्लॉय आईडी और आधार की बात करें, पैन को भूल जाएं, पैन मान लो नहीं है, तो अगर एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की है तो आधार कार्ड हमारा कैंडिडेट की है। लेकिन अगर ये मान लो तीनों कॉलम दिख रहे हैं,
एम्प्लॉय आईडी भी दिख रही है, आधार भी दिख रहा है, पैन भी दिख रहा है। तो यहाँ प्राइमरी की जो है वो है हमारी एम्प्लॉय आईडी, बाकी के दोनों को रखा जाएगा, बाकी के दोनों को नाम कहा जाएगा अल्टरनेट की। ये प्राइमरी की बन सकते थे लेकिन बने नहीं, इनके अंदर कैपेबिलिटी है प्राइमरी की बनने की लेकिन ये बने नहीं, इसीलिए इनको अल्टरनेट की का नाम दिया जाएगा। तो मुझे लगता है लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको थ्योरी में ही समझना है। ऐसा नहीं कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़ सिर्फ प्राइमरी की का होगा और फॉरेन की, और आगे चल के फॉरेन की का होगा। तो प्राइमरी की तो हर टेबल में डिफाइन होती है, फॉरेन की नहीं डिफाइन होती, जब यूज़ होती है तो ऑटोमेटिकली वो फॉरेन की बन जाती है। ठीक, तो यहीं पर ये वीडियो को एंड करते हैं, बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।